गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर। आता कैसे है? क्यों भाई? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर, क्यों कैसे हो जाता है? आओ समझो, समझा देते तुम लोगों को गोले का आयतन कैसे निकलता है। गोला कुछ ऐसे ही होता है। किस में बंद कर दिया गया? गोले को बंद कर दिया हमने बेलन में, क्योंकि किसी का भी जो आयतन होता है, आयतन होता क्या है? एरिया इंटू, लेकिन उसका जो आधार का क्षेत्रफल, या इसको ऐसे लिख लो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही होता है। लेकिन ये अपने अक्ष के परता कैसा होना चाहिए? अपने अक्ष के परिता लंबवत हो। कैसा हो? लंबवत हो। तो देखो एक बात समझना, ये वाला हिस्सा तो कलर्ड हो जाएगा जितना हम कर रहे हैं, इसके अलावा बचा, या बचा हुआ ही तो गोला है। इतना हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा हटा देना हमें, और ये हिस्सा हटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? वृत्त नहीं, गोला। ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? ये कितनी होगी? 2 आर होगी। बोलो, पूरी जो हाइट होगी वो 2 आर के बराबर होगी। अब इसमें से हम क्या करें, ये वाला जब हिस्सा काट लोगे तो तुम्हें छायांकित वाला हिस्सा कुछ ऐसे दिख रहा है? ये वाला हिस्सा इतना यहां बचेगा और इतना यहां बचेगा। बोलो, जब गेंद तुमने देखी होगी पाइप में फंस जाती है, तो वो जहां पे मैक्सिमम उसकी त्रिज्या होती है, वो जहां तक मैक्सिमम उसका व्यास रहता है, वहीं फंसती है, ऊपर नीचे खुली होती है। बोलो, एक पॉइंट भी यहीं पे ये टच कर रही होगी, इधर भी खाली होगी, इधर भी खाली होगी। ये वाला हिस्सा बाहर खींच ले तो ये वाला हिस्सा इधर से बच जाएगा और ये हिस्सा इधर से बच जाएगा, तो ये वाला हिस्सा इतना बचेगा, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से को ऐसे मोड़ दो,
या इस पूरे का निकाल लो, पूरे में से ये वाला हिस्सा छायांकित वाला माइनस कर दो तो इसका आ जाएगा, और पूरा तुम्हारा क्या है बेलन, तो ये वाला हिस्सा अगर तुम बनाओगे तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तुम्हें देखो कुछ नजर आ रहा होगा, ये वाला ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे है और इसको ऐसे कर दो, ऐसे ये वाले पार्ट ऐसे जोड़ दो, ऐसे बन जाएगा, ये हिस्सा ऐसे है ऐसे, इसको ऐसे जोड़ दो, ये दिख जाएगा तुम्हें, समझे? तो दो शंकु बनेंगे और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आठ। तो इसमें क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस दो शंकु का आयतन, ठीक। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच हमें पता है कितना है टू आर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू टू आर, तो हो जाएगा ये टू पाई आर स्क्वायर माइनस क्यूब, टू पाई आर माइनस, शंकु का आयतन होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर, एक बटे तीन और दो का गुणा है तो हो जाएगा दो बटे तीन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच की जगह क्या है आर, वो इसकी एच, दो ले लो बाहर, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो दो बटे तीन पाई आर क्यूब, क्योंकि एच की जगह क्या रखोगे, इतनी बात तो मैं समझ आ गई, तो टू पाई आर क्यू माइनस दो बट्टे तीन पाई आर, तीन का इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा, कभी नहीं, तीन का इसमें तुम क्या कर दो गुणा कर दो, तो सिक्स पाई आर क्यू माइनस टू पाई आर बट्टे तीन, छः में से दो घटा लो, चार बटे तीन पाई आर आ गया, यही होता है, ऐसे निकल के आता है। चलो नोट करो इसको फटाफट, गोले का आयतन, तुम्हारी क्या समस्या है भाई,
बोलो, जल्दी नोट करो, ये सीट किसी गिरी है नीचे। जिसको टेस्ट पेपर ना मिला हो, सबके पास पहुंच गया। चलो सबसे पहले टेस्ट पेपर पे अपना अपना नाम डालो, सबसे पहले नाम डाल लो। और तुम्हारे पास टाइम है 30 मिनट का, टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। टाइम स्टार्ट, 30 मिनट का टाइम है, फटाफट शुरू हो जाओ, देखते हैं कितना तुम लोग पढ़े हो। 1/4 माइनस मार्किंग है। अंदीना वरना